हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूँ गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आपको पता है कि रेलवे की सीरीज़ मैंने निकाली है, तो अभी दो सेट डल चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 सॉरी। और अभी ये जो सेट लेकर के आया हूँ ये है सेट नंबर 3, ठीक है। तो इसमें भी जीएस से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने देखिए इसमें जो जीएस से क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा सा अरेंज किया है टॉपिक वाइज। जैसे कि अभी आपने पहले देखा होगा कि मैंने अरेंज करवाया था आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य वाला पूरा वो चला था अपना, ठीक है। तो एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर ये मिलेगा पूरा, जो जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो पूछे जाते हैं वैसे के वैसे। तो इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा पूरा शुरू से लेकर अंत तक, और आप उसमें क्वेश्चन भी देख पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को, हमारे रेलवे लोको पायलट और ग्रुप डी और ग्रुप सी के सेट 3 को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ है ना, धार्मिक पाठ का नाम पूछा गया उनके, यहूदी जो होते हैं उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या होता है। उस चीज़ का नाम होता है मूसा संहिता, ठीक है। उसका नाम क्या है? मूसा संहिता। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य लिखा था किसने? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, आपको पता भी होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? जब प्राचीन काल में जब कोई भी चीज़ लिखी जाती थी, कुछ भी लिखना हो, तो उस समय सबसे पहली जो भाषा ही थी वो हमारे पास क्या थी? संस्कृत, ठीक है। फिर संस्कृत से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, प्राकृत, पाली, आपने देखा है उन सब चीज़ों को कि प्राकृत यूज़ करते थे जैन वाले, और पाली को यूज़ किया था बौद्धों ने, ठीक है। आपने वो पिछले सेट में देख लिया होगा, मैं फिर से बोलूँगा सेट 2 और सेट 1 स्किप मत कीजिए, उनको देख लीजिए। इससे ये होगा कि आपका टॉपिक वाइज पूरा जीएस कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा टॉपिक वाइज है, मैं कुछ भी यहाँ से गायब नहीं कर रहा हूँ इसमें से, सारा कुछ चैप्टर वाइज चलता जाएगा। तो स्रोत सामग्री लिखने वाली जो सबसे पहली भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? आप सभी को मालूम है कि वो थे बिंदुसार। अच्छा, दो नाम याद रखिए, एक बिंदुसार है और एक बिंबसार है, ठीक है। एक बिंदुसार है और एक है बिंबसार। बिंबसार कौन थे? बिंबसार वो व्यक्ति है, वो पहला राजा था जिसने कि मगध को बसाया था, ठीक है। मगध पर पहला शासन करने वाला बिंबसार है, और बिंबसार किस किस वंश का है? वो हर्यक वंश का है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, वो हर्यक वंश का है बिंबसार, ये बिंदुसार है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त का बेटा है, ठीक। अगला, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, कहाँ फैली हुई थी? जब बिंदुसार जब राजा बनता है तो ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे अशांति फैली हुई थी? फिर आपको याद होगा जहाँ पे अशांति फैली थी वो जगह थी तक्षशिला, और यही वो जगह है जहाँ पर पहले उसने सुशीम यानी अपने बड़े बेटे को भेजा, सबसे बड़े वाले को, लेकिन फिर वो नहीं कर पाया उसे, तो फिर अशोक को भेजा गया। फिर अशोक ने यहाँ पर सारा विद्रोह खत्म कर दिया था, और यही कारण है कि फिर उसे उज्जैन भेजा गया था। क्लियर है? तो अशोक में काबिलियत थी, वो यहाँ से दिखने शुरू हो जाती है तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस शिला राजा देश यानी कौन सा ऐसा शिला था, कौन सा शिला लेख था जो कि राजा का आदेश था, है ना, राजा का आदेश था जिसमें लिखा हुआ था। तो ऐसा कौन सा शिला लेख है जिसमें अशोक ने, आपको मालूम है ना अशोक के बहुत सारे शिला लेख हैं, उन सब में उसने राजा के बहुत सारे आदेश लिखे हुए हैं अपने खुद के, तो उन सब में से कौन सा ऐसा अभिलेख या शिला लेख है जिसमें कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया गया है, और युद्ध त्याग की घोषणा भी की गई कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और ये सब बताया गया है। तो वो जो शिला लेख है, शिला लेख का नंबर है 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है उसमें, और युद्ध त्याग की घोषणा की, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये लिखा है 13 में। क्लियर है? ठीक है। नंबर 7, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा भी है, और कई बार रिपीटेड है, ये ऑलरेडी बहुत बार रिपीटेड है, फिर भी पूछा जाता है, और फिर भी लोग इसमें गलती कर देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है वो उपगुप्त है, ठीक है। ये भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हीं के प्रभाव में आ करके उन्होंने बौद्ध पकड़ लिया था, है ना, कि बौद्ध मेरा धर्म रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 वाला, कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था ये बताना है आपको। तो जो कलिंग युद्ध था वो हुआ था 261 BC में। कब हुआ था? 261 BC में। अगला क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, यानी कि उनके ऊपर ये युद्ध का प्रभाव पड़ा है ये किस किस चीज़ से हमें पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें शिलालेख से, और शिलालेख भी कौन सा वाला? अगेन 13। जब जब युद्ध की बात होगी आपके दिमाग में तुरंत 13 नंबर आ जाना चाहिए, अशोक के शिलालेख 13 में, ठीक है। ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं ये हर तरह से पूछे गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उन्होंने इस तरह से भी पूछा इसे, उन्होंने इस तरह से भी पूछा उसे, आप देख रहे हैं दोनों टाइम पे क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन थी, वो था युद्ध वर्ड, है ना, 13 13, बिल्कुल। और बौद्ध जो साधु हैं जिनके प्रभाव में वो आए थे, जो उनके गुरु भी माने जाएंगे, वो उपगुप्त हैं। अगला क्वेश्चन अशोक से ही, कि अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में दिए हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। हाँ, अब आपको लगेगा कई तो खरोष्ठी में भी हैं, हाँ वो दोनों में हैं,
ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर मौजूद है वो हमारे पास मौजूद है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और ध्यान सुनिए, इस लिपि को यानी उनके शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पहला बंदा, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप वो पहला बंदा है जिसने उसके शिलालेख को पढ़ा, है ना, उसको समझा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन है, किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। हमेशा याद रखिए इनका नाम। अच्छा, शिलालेखों का जनक भी किसे माना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अशोक को, खुद को, क्योंकि इतने सारे शिलालेख उन्होंने दिए थे कि सारे के सारे, क्योंकि इसीलिए उनको जनक माना गया शिलालेखों का। क्लियर है गाइस? ठीक है, अगला 13th, मौर्य वंश में स्थानिक कौन था? मौर्य वंश में आपको मालूम है बहुत सारी पदवियां दी गई थी, उनमें से एक पदवी थी स्थानिक की, ठीक है। तो ये स्थानिक पदवी जो थी, ये इस पदवी को किस नाम से जाना जाता है? क्या है ये पदवी? इस पदवी का नाम है जिला प्रशासक, कलेक्टर कह लो आप, है ना, कलेक्टर, जिला प्रशासक, है ना, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिन करे जो जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिन कौन होता है? जो आपका कलेक्टर होता है। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14th वाला, कि मौर्य के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्यों के बाद जो वंश आया था उसका नाम था शुंग वंश। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? ये मिलिंद पन्नो जो है वो आपको मालूम है कि उनके बीच में हुआ था दोनों के, आपको मालूम है बौद्ध राजा और वो लगे हुए थे इसमें। तो मिलिंद पन्नो क्या है, मेन चीज़ ये पूछी गई। तो मिलिंद पन्नो है एक तरह का बौद्ध पाठ, है ना, वो एक लेसन है बौद्ध का, ठीक है, मिलिंद पन्नो। अगला, कि चरक किसके दरबार में थे? पहली बात तो चरक कौन है? चरक एक डॉक्टर है, आपको मालूम है, चिकित्सक है, लेकिन किसके दरबार में थे ये मौजूद? कनिष्क। किसके दरबार मौजूद थे? कनिष्क के। 17th क्वेश्चन, कुषाण काल में, ध्यान देखना, कुषाण काल, कुषाणों का जब शासन चल रहा था, तो भारतीय और ग्रीक शैली, दो शैलियां हैं आपको बना, शैलियां मतलब बनाने वाली शैली, वो जो कला निर्माण, कला जो होती थी, जो निर्माण होता था, वो दो तरह से होता, एक भारतीय शैली में होता था और एक ग्रीक शैली होती थी। तो वो पूछ रहा है कि कुषाण काल में, है ना, काल का नाम भी बता दिया कि कुषाण काल चल रहा था उस समय, तो भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय, यानी इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक जो कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, यानी दोनों को मिला दो तो क्या बना, आपको सिर्फ इतना बताना है। तो दोनों को मिलाया तो जो बना था वो था गांधार कला, ठीक है। तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान देखिए, कुषाण काल में पहली बात तो ग्रीक शैली आ गई, पहले से हमारे पास भारतीय शैली हमारी खुद की थी, ग्रीक और आई। अब ग्रीक तो तब आएगी ना जब कोई राजा आएगा। तो कुषाण कहाँ के थे ये सारे? कुषाण कहाँ के माने जाते हैं ये सब के सब? ये बाहर के माने जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीक से आए थे, यूनान से आए थे कुषाण काल के, है ना, कुषाण लोग ये यहाँ अंदर आए, तो अब उनके साथ उनकी शैली भी आएगी। तो भारतीय और ग्रीक शैली मिली, तो जो नया बना उसे क्या कहते हैं? गांधार कला, ठीक है। जरा देखिए अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। उसी राजा के नाम पूछ रहा है और वो अगेन कौन है? कनिष्क। ये वही बंदा है जिसके दरबार में चरक थे। क्लियर हुआ, है ना। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के ही राजा हैं जो ग्रीक से हैं, और क्योंकि जब वो इधर आए तो उनके साथ ग्रीक शैली भी आई, भारत के साथ मिली, गांधार शैली बनी, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधार कला किसके समय पे विकसित हुई? तो आप एक आंसर तो कुषाण काल में हुई, और दूसरा आंसर आपका किस राजा के टाइम पर हुई? तो कनिष्क के टाइम पर हुई। कनिष्क नहीं कहना चाहिए, कुषाण काल में हुई ये कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे राजा रहे हैं। अगला, तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। अगेन कनिष्क हमने देख लिया उसे। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ये जरा देखो ध्यान से, 78 ईस्वी का याद आ रहा आपको कुछ इससे? 78 ईस्वी, ये वही वही डेट है जब आपको शक संवत लागू हुआ था, याद है, शक संवत, ठीक है। तो शक संवत ही इसलिए लागू हुआ था क्योंकि यही वो दिन है, यही वो तारीख है जब कनिष्क सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। तो अपने बैठने की तारीख को इन्होंने वहां से स्टार्टिंग मार दिया कि यहां से शुरू होता है अब दिन, यहाँ से शुरू होती है सारी चीज़ें, यहाँ से शुरू होता है कैलेंडर, अपने सिंहासन में बैठने के दिन को ही उन्होंने वहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना, शक संवत, जो हम फॉलो भी करते हैं। अगला, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? अभी मैंने आपको बताया है, देखो जरा, गांधार शैली कब जन्मी? ये भारतीय और ग्रीक का मिश्रण है, पहली बात तो बिल्कुल ध्यान रखो डेफिनेशन, भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण गांधार शैली है, और ये पनपी थी कनिष्क के टाइम पे, जो कि कुषाण के राजा हैं, है ना, कुषाण वंश के राजा हैं जो ग्रीक से आया था। अगला, भारतीय और यूनानी कला के, देखो ध्यान से, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों के समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बस लिख दिया गया, लिखने का अंतर है बस, देखिए ध्यान से, एक बार भारतीय और ग्रीक शैली लिखी गई और एक बार भारतीय और यूनान शैली लिखी गई ना, जबकि ग्रीक और यूनान में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बनी बात है कि अभी भी दो मिश्रण पूछे गए हैं, यहाँ पर भी दो मिश्रण पूछे गए थे, तब भी गांधार कला था और अभी भी आंसर गांधार कला ही रहेगा,
क्लियर हुआ? क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस पूछा अलग अलग से, इसलिए मैंने कहा आपको दोनों लिख करके समझाऊंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो उसमें। ठीक है, अगला 22 देख लीजिए। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे कौन कौन? एक तो थे नागार्जुन और एक है अश्वघोष। ठीक है, नागार्जुन वही हैं जिनके साथ ये मिलिंद पनौ दिख रहा है आपको, कहाँ चला गया है ना? अच्छा खैर छोड़ो, उसको बाद में समझाऊंगा उसमें। तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष थे। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों बंदे किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के कुषाण राजा हैं। और आपने देख लिया कि उनके साथ ग्रीक शैली आई थी, दोनों मिल गई भारत के साथ तो बनी गांधार शैली। ठीक है, सिर्फ यही कुछ क्वेश्चन है जो उनसे बार बार आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेदी वंश, है ना, एक वंश हुआ था चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा जो खारवेल थे, राजा खारवेल किस वंश, किस चेदी वंश? चेदी वंश पहली बात तो कहाँ था? उड़ीसा में कलिंग में राज करता था। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग में, यही है वो समय है ना कलिंग में, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अशोक महान ने यहाँ पे आक्रमण किया था कलिंग में, और कलिंग पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मिलेगा ये आपको कलिंग, है ना, और उस समय कलिंग पर चलता था जो वंश, वो था चेदी, और चेदी के ही राजा थे खारवेल। क्लियर हुआ? अगला, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सबसे बड़ा, ठीक है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये सबसे बड़ा शासक था पूरे सातवाहन वंश का। ठीक है, तो इनके वंश याद रखिए कि चेदी वंश से जुड़ा हुआ है खारवेल और सातवाहन से जुड़ा हुआ है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, इनके ये बहुत फेमस राजा हैं अपने अपने वंश के, इसलिए आपको उनके बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। ठीक है, कुल मिला के पूछा जा रहा है संस्थापक कौन है और पहला कौन था, तो बनी बात है श्रीगुप्त, क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, फाउंडेशन रखे थे इसके। अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो जरा उतना इंपॉर्टेंट है। महरौली में जंग रहित, जिसमें जंग नहीं लगा है, ऐसा लौह स्तंभ ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है गुप्त शासकों ने, महरौली के जितने जो बने हुए स्तंभ उनको बनाने का जो काम है वो किसने किया था? गुप्त शासकों के काम टाइम पर ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है गाइज? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? अभी आपने देख लिया चंद्रगुप्त द्वितीय को, है ना, तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में याद रखेंगे श्रीगुप्त और ये चंद्रगुप्त दो, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जिस नाम से जाना जाता है वो है विक्रमादित्य, ये उन्होंने उपाधि ग्रहण की थी इसलिए उन्हें इस नाम से ही बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे क्या? तो जो गुप्त काल में जब चांदी के सिक्के बनाए गए तो उस काल में जो चांदी के सिक्के बनते थे उन्हें रुपयक नाम से पहचाना जाता था। किस नाम से पहचानते थे उन्हें? रुपयक। ठीक है, रुपयक। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, ये कौन है लिच्छवी दोहित्र? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त के बेटे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्हें आपको मालूम है नेपोलियन, हाँ बिल्कुल ठीक, ये वही है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त को कहा जाता है विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं और इन्हें ही कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। तो नेपोलियन तो सभी को मालूम है इसलिए आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है जो बार बार आप जानते हैं अच्छे से, आपको वो पढ़ना है जिसमें आपका ध्यान नहीं रहता है। जैसे कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, अगर आपके लिए नया है तो इसे बार 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 रिवाइज करो, हाँ क्योंकि ये नया है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? कुछ कुल मिला के सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जब रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार चल रहा था तो ऐसा कौन सा बंदा था जो बीच में आक्रमण आके करता है और ये व्यापार खत्म हो जाता है? तो ये जो आक्रमण हुआ था ये था हुणों द्वारा। जैसे ही हुणों ने हम पर आक्रमण किया था तो उन्होंने हर चीज़ नष्ट कर दी थी, व्यापार भी उनके साथ और हमारे साथ, क्योंकि न पोर्ट बचे थे ना कुछ बचे, तो व्यापार कैसे होता, समझ गए? तो हुणों के युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचा था इसलिए व्यापार नहीं हो पाया था। अगला, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? भारतीय नेपोलियन, अभी मैंने आपको बताया है वो कौन है, समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, अगला, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, कौन सा स्वर्ण युग था? यही जो चल रहा है आपके सामने गुप्त काल, इसे ही स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, चांदी के सिक्के भी चले थे, स्वर्ण युग भी चला, स्वर्ण के सिक्के भी चले थे, लेकिन चांदी के सिक्कों को बुलाया जाता था उस समय रुपयक, गुप्त काल में। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र कौन है? समुद्रगुप्त, इसी को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, दोनों नाम इसको ध्यान रखना है आपको।
अगला, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो वो थे सोना। अभी मैंने आपको बताया सोना चांदी दोनों निकला था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था यहाँ पे? रुपया। क्लियर है ना? बिल्कुल ऐसे ही। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? गुप्त संवत है 319 ईस्वी, जो हम फॉलो नहीं करते। हम फॉलो करते हैं शक संवत, जो कि कनिष्क के जब सिंहासन ने बैठा था 78 ईस्वी में, तब स्टार्ट हुआ था और तभी से हम भी मानते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। कनिष्क जो कि कुषाण का राजा है, जो कि बाहर से आया है, गांधार शैली लेकर के आया है। आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीख लिया, आपको समझ भी आ गया होगा, है ना? ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। 36 क्वेश्चन है हमारे पास कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? अब इन दो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखोगे। इलाहाबाद स्तंभ जो मैं बात कर रहा हूँ, महरौली अलग है ना, महरौली बिल्कुल अलग है वो। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियाँ वर्णित हैं? तो जिसकी उपलब्धियाँ वर्णित हैं वो समुद्रगुप्त है। लेकिन ध्यान सुनिए, जिसने इन शिलालेखों को बनवाया था वो समुद्रगुप्त नहीं थे, वो हरिशेण है। क्लियर हो रहा है? देखिए दोनों में अंतर है। ये मत सोचेगा कि इलाहाबाद स्तंभ में नाम लिखा इस बंदे का तो इसी के बंदे ने बनवाया होगा या इसने खुद ने बनवाया होगा। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख में जिसकी उपलब्धियां लिखी गई हैं वो तो समुद्रगुप्त राजा हैं, ठीक है। लेकिन जिसने ये उपलब्धियां उसमें लिखी हैं और जिसने इसे बनवाया है वो है हरिशेण। क्लियर हुआ है ना? हरिशेण। तो 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। मालूम है ना, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य कहते हैं इन्हीं का बेटा समुद्रगुप्त, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट भी और लिच्छवी दोहित्र भी है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा हूँ, भारत का नेपोलियन है वो, ठीक है। फाइयान देखो, जाते हैं ये भारत के जो चीनी यात्री हैं, ये जो बाहर से जो आते हैं चीनी यात्री, इनके बारे में बड़ा पूछा जाता है। तो फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आए थे। एक और आता है हुएन सांग। तो हुएन सांग किसके दरबार में आए थे? हर्ष के दरबार में, है ना, हर्षवर्धन के दरबार में। तो ह से हुए हुएन सांग और ह से हर्षवर्धन, याद रखेंगे। कन्फ्यूज नहीं होंगे कि फाइयान कहाँ था, हर्षवर्धन कहाँ था, ठीक है। ह से ह पूरा मैच कर लो, जो फिर फाइनल पूछा जाए तो उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, है ना, इंक्लूड कर दो। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका संकलन करने वाला कोई और नहीं, खुद विष्णु शर्मा जी थे। आप सभी को मालूम है, बहुत सारी कहानियां आपने देखी है, DD1 पे इनके साथ बड़े कार्टून आते थे। अगला, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है कालिदास, है ना, सभी जानते हो। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सारे कुछ। तो दोस्तों मैंने इसमें जितनी जल्दी हो सका सारे के बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ऐसे कंटिन्यू लाता रहूँ और आपकी रेलवे की तैयारी अच्छी स्ट्रांग चलती रहे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज, और थैंक यू फॉर हियरिंग मी।